नमस्कार, मैं हूं धनश्री केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए सीहोर नगर पालिका के सभी 35 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षकों के द्वारा दावेदारों के साथ राय शुमारी कर आवेदन दिए गए हैं। सभी पर्यवेक्षकों को सीहोर के अलग अलग वार्डों में भेजा गया, जहाँ उन्होंने वार्ड के लोगों से और दावेदार प्रत्याशी से मुलाकात की तथा आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के बारे में सभी से मिलकर विचार किया। सीहोर नगर पालिका के पर्यवेक्षक प्रभारी ललित नाकोरी ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य, जिनकी जनता के बीच सक्रियता एवं साफ सुथरी छवि है, उनको ही वार्ड पार्षद के लिए भाजपा से टिकट दिया जाएगा। सीहोर से खालिद खान की रिपोर्ट। पालिका तो पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक तय कर दिया गया है कि जो पर्यवेक्षक जाएगा वो व्यक्ति का नाम, जिस बूथ पे वो जाएगा उनका नाम और उस बूथ के जितने उम्मीदवार हैं, उस पोलिंग के लिए जितने उम्मीदवार हैं, वो सब अपना आवेदन हमारे पर्यवेक्षक को देंगे। वो पर्यवेक्षक निष्पक्ष रूप से सबसे पत्रक भरवा के, हमारे सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हमारी जो बूथ कमेटी है, BLA है, अध्यक्ष है, महामंत्री और 10 सदस्य, वो अपनी राय देंगे और वो बूथ कमेटी की राय जिला अध्यक्ष को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।